Students, today we are going to start complete residue system. Any set A1, A2 up to AM consisting of these M elements is called complete residue system. If their least residues, in numbers ke least residues mode M hamare paas 0, 1, 2 up to M minus 1i. इन सम ऑर्डर मतलब अगर हम m से इनको डिवाइड करें इन नंबर्स को तो जो रिमाइंडर्स आए वो हमारे पास 0 से m माइनस 1 के बीच का ही कोई नंबर आना चाहिए। अब ये इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि a1 को m से डिवाइड करें तो जरूर नहीं है रिमाइंडर 0 आए, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। सिमिलरली a2 को डिवाइड करें तो इनमें से कोई भी एक आएगा, बट इन m के कॉरेस्पॉन्डिंग डीज m डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स आएँ तो दिस सेट इज कॉल्ड कम्प्लीट रेसिड्यू सिस्टम CRS mode M. If इनके least residues mode M हमारे पास 0 से M minus 1 के बीच के numbers आते हैं तो ये जो set है this is called complete residue system. For example, अगर हम ये numbers लेते हैं, ये अगर हम 6 numbers लिए हमने, minus 27 है ये, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स ये है, हम कह रहे हैं कि दिस इज़ सी आर एस मोड 6, तो इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अगर हम 6 से इनको 1 by 1 डिवाइड करते हैं, 49 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा हमारे पास, 1। मोड 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1। सिमिलरली 20 को डिवाइड करेंगे मोड 6 से, इफ़ 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2। सिमिलरली 10 को अगर हम इससे 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 4। 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर विल बी 5। माइनस 18 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0। एंड सिमिलरली माइनस 27 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर विल बी 3। तो देखिए अब जो रेजिड्यूज आए हैं इनके वो हमारे पास 1, 2, 4, 5, 0 and 3 आए हैं, और अगर मोड 6 m की वैल्यू 6 है तो हमारे पास रेजिड्यूज कौन से होने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। यही के यही हमारे पास रेजिड्यूज हैं, इन्हीं की रीअरेंजमेंट है ये, सारे के सारे नंबर इस सेट में आ रहे हैं रेजिड्यू सेट में। सो दिस सेट इज़ सी आर एस मोड 6। अब किसी भी सेट के किसी भी नंबर के मोड m, किसी भी m के विद रिस्पेक्ट में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ CRS एग्जिस्ट करते हैं। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है वो यूनिक होना ज़रूरी नहीं होता, कितने भी आप ऐसे सेट्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इस मोड 6 के विद रिस्पेक्ट में अगर हम ये सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो दिस ऑल्सो फॉर्म्स ए CRS मोड 6। आप इसको करके देख सकते हैं, इसके रिमाइंडर्स जो हैं वो इन्हीं नंबर्स के बीच में आएंगे। सिमिलरली आप कितने भी सेट फॉर्म कर सकते हैं, तो इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सेट S ऑफ इंटीजर्स CRS मोड M होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 कंडीशन सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन इज़ इसके अंदर हमारे पास अगर यहाँ M है तो M ही एलिमेंट्स होने चाहिए सेट एस में। एंड द सेकेंड वन कंडीशन इज़ अगर हम इस सेट के 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए आई एंड ए जे, देन ए आई जो है वो अगर ए जे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मोड एम, देन ए आई और ए जे जो हैं वो हमारे पास इक्वल ही आ जाएंगे, सेम एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी 2 एलिमेंट जो इस सेट के एलिमेंट होंगे वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इनकॉन्ग्रुएंट मोड एम होते हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब वो एलिमेंट सेम आएंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट के हमेशा आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं। नाउ अगर हम इनफाइनेटली मैनी सी आर एस होंगे और अगर कोई प्राइम नंबर पी लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0, 1, 2 up to P-1 ये जो सेट है दिस इज़ ए सी आर एस मोड पी, पी अगर कोई प्राइम नंबर है तो। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। रिड्यूस्ड रेजिड्यू क्या होते हैं, अब देखिए कोई भी सी आर एस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बन जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, ये एम के साथ
को प्राइम हो जाएं, मतलब इनका जी सी डी एम के साथ वन आए। अगर ये एम के साथ को प्राइम हो गए तो इनका जी सी डी जो है वो एम के साथ वन आएगा। तो कोई भी सी आर एस रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ऊपर वाले में सी आर एस में ये जो एलिमेंट्स थे ये सिक्स के साथ को प्राइम होने ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि ट्वेंटी भी को प्राइम नहीं है, टेन भी नहीं है, एटीन भी नहीं है, ट्वेंटी सेवन भी नहीं है। लेकिन आर आर एस में कंडीशन क्या जुड़ जाती है कि ये जो एलिमेंट होते हैं आर आर एस के, ये एम के साथ को प्राइम होने चाहिए। तो अगर ये को प्राइम है तो ये एलिमेंट्स कितने होने चाहिए नंबर में, फाइव एम एलिमेंट्स, क्योंकि फाइव में क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन एम एंड को प्राइम टू एम। तो कोई भी सेट रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनता है इफ़ या आर आर एस मोड एम होता है अगर उन उसके एलिमेंट्स एम के साथ को प्राइम हो, आपस में कोई भी दो एलिमेंट इनकॉन्ग्रुएंट हो, और थर्ड कंडीशन वही कि इनके रेजिड्यूज जो हैं वो इन ऑर्डर हमारे पास फाइव एम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एस हमने कोई सेट ऑफ इंटीजर्स लिया जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 43, 46, माइनस 19 एंड 22। अब देखिए दिस इज़ ए आर आर एस मोड 15 सेट। ये मोड 15 के विद रिस्पेक्ट में आर आर एस है। कैसे, एक तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स हैं। और फाइव ऑफ 15 की वैल्यू क्या होती है, हमारी कंडीशन क्या है कि 5 एम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 5 15 क्या होता है हमारे पास, 15 होता है 3 × 5, तो 5 ऑफ 3 × 5 ऑफ 5, दोनों प्राइम हैं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 2 × 4, 8। सो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इसमें 5m एलिमेंट्स हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसके लीस्ट रेजिड्यूज निकालते हैं, इन सबको 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर्स आएंगे। 113 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आएगा, 452 को डिवाइड करें तो 2, 14, 4, 13, 1, 11 एंड 7, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रिमाइंडर्स आएंगे। और ये सब रिमाइंडर्स जो हैं वो 15 से m से छोटे हैं। तो और आपस में ये सब एलिमेंट इनकॉन्ग्रुएंट भी हैं, एक दूसरे के साथ इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ के साथ 15 के साथ भी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है किसी भी एलिमेंट में। तो ये सेट कैसा हो गया, आर आर एस मोड 15 सेट। ठीक है, तो आर आर एस मोड 15 भी हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, और अगर p ओड प्राइम है तो 1 to p-1 का सेट जो है वो हमारे पास आर आर एन मोड m होगा। अब देखिए, अब हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ रिजल्ट्स हैं इसके जो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको रिजल्ट्स को देख लेते हैं बस हम। पहला रिजल्ट आता है हमारे पास कि अगर फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर a1 to a5m, a1, a2 up to a5m, ये अगर हमारे पास कोई आर आर एस मोड m है, देन और k और m का जी सी डी अगर 1 है, k और m का जी सी डी, कोई नंबर k है उसका जी सी डी m के साथ अगर 1 है, तो अगर हम ये सेट लें k a1 k a2 up to k a5m, तो ये जो सेट आया है दिस इज़ ऑल्सो ए आर आर एस मोड m। तो ये कोई सेट है और k कोई इंटीजर है जिसका m के साथ जी सी डी 1 है, तो अगर k को इनसे मल्टीप्लाई करें तो वो सेट भी आर आर एस बनता है। ये है रिज़ल्ट नंबर 1। सेकंड रिज़ल्ट है कि अगर हमारे पास a1 से a5m का एक सेट है, और एक हमारे पास b1 से b2 अप टू b of 5m का सेट है, दोनों हमारे पास आर आर एस मोड m गिवन है दोनों सेट, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ a1 to 5m, मतलब इन सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल एलिमेंट्स b1 से लेकर b5m तक के एलिमेंट्स के कॉन्ग्रुएंट होता है विद रिस्पेक्ट टू मोड m। तो दो आर आर एस सेट हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू मोड m, तो वो आपस में एलिमेंट्स जो हैं उनका प्रोडक्ट एलिमेंट्स का वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। एंड द थर्ड वन इज़, अगर a कोई सेट है जिसमें a1 से लेकर a5m तक के एलिमेंट्स हैं, एंड b कोई सेट है जिसमें b1, b2 up to b of 5m तक के एलिमेंट्स हैं, यहाँ 5n ले लेते हैं, देन ये अगर हमारे पास आर आर एस मोड m है, ये आर आर एस मोड n है हमारे पास, देन और अगर m और n का जी सी डी 1 है,
देन एक सेट फॉर्म करें जिसमें एलिमेंट्स आए एम ए आई प्लस एन बी जे टाइप के, इनको एम से मल्टीप्लाई करें प्लस इसका कोई एलिमेंट लें उसको एन से मल्टीप्लाई करें, आई 1 to 5 m, जे 5 n, दिस इज ऑल्सो ए आर आर एस मोड एम एन। देखिए एक सेट हमें आर आर एस मोड एम गिवन है, एक आर आर एस मोड एन, तो अगर हम ऐसा कोई सेट फॉर्म करते हैं जिसके इसको एम से मल्टीप्लाई करें इसके एलिमेंट्स को एन से, तो ये जो सेट है इसमें आर आर एस मोड एम एन सेट बनता है। आज के